शांति मंत्र ये जो वेद का है तो आप
प्रश्न करिएगा कि वेद क्या होते हैं, क्यों पढ़ा जाए वेद आज के इस जमाने में। ऐसा तो नहीं सब पुरानी बातें हो गई। तो शांति मंत्र कहाँ का है और वेद क्या है, ये बात जुड़ी हुई है। तीसरा प्रश्न ये है कि शांति मंत्र में क्या बात बोली गई। चौथा प्रश्न ये है कि इसका लाभ क्या है हमारे लाइफ में। अगर हम ना जाने तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं जानते अभी तक, चल तो रही है जब गाड़ी, कुछ पता तो है नहीं। बस यही पता है कि इससे सत्संग पूरा हो जाता है, इस शांति मंत्र से इतनी ही बात पता है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। इस शांति मंत्र का पता नहीं अर्थ, लेकिन सुन के बड़ा शांति मिलती है, खत्म हो। तो ये जो चार प्रश्न हैं शांति मंत्र से संबंधित, ये शांति मंत्र कहाँ का है, दूसरा प्रश्न वेद क्या है, क्या सच में उनकी आवश्यकता है, तीसरा प्रश्न इसका लाभ क्या है, इसका अर्थ क्या है, और चौथा प्रश्न है कि इसका बोलिए हमारे जीवन में क्या लाभ है, नहीं जाने तो क्या फर्क पड़ता है। इन चार प्रश्नों पे हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे और आपसे बहुत ध्यान की अपेक्षा है। जैसे जैसे विषय आगे बढ़ेगा थोड़ा सूक्ष्म होगा। किसी ने यहाँ तक बोला कि सारे उपनिषद अगर खो जाएं, केवल ये शांति मंत्र रहे तो सारे उपनिषद का अर्थ प्रकट रहेगा, ऐसा भी एक महात्मा ने बोला। इसकी इतनी इम्पोर्टेंस, तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। हो सकता है आपको लगे कि विषय कहाँ चला गया, लेकिन हमें अपना विषय याद रहता है। हम बहुत दूर तक जाएंगे, सैर करेंगे, लेकिन वापस आएंगे। ऐसा लग सकता है कहाँ से कहाँ हो रहा है, आप धीरज रखिएगा और हम लोग चिंतन करेंगे। और क्वेश्चन अगर फ्रॉम वेयर द शांति मंत्र इज, व्हाट आर द वेदास, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शांति मंत्र, व्हाई इट इज कॉल्ड शांति मंत्र, एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ दिस शांति मंत्र इन माय प्रैक्टिकल लाइफ। चार प्रश्न पे आप अपने चिंतन को बढ़ाएंगे। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारे जीवन के सबसे मौलिक इच्छा है वो एक, हम जरा फ्री रहना चाहते हैं, हम बनना नहीं चाहते। हमने क्या बोला, मौलिक इच्छा। एक होती है आगंतुक इच्छा, एक होती है वास्तविक इच्छा। वन इज कॉल्ड इंसिडेंटल डिजायर, अदर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक डिजायर। भोजन की इच्छा हुई, इट इज इंसिडेंटल डिजायर, हर समय नहीं रहते। बात करने की इच्छा नहीं है, अभी बात मत करो भाई। हर समय सोने की इच्छा नहीं रहती, लेकिन होती है किसी समय। या हर समय हमारी इच्छा नहीं कि चलो घूम आए, नहीं इच्छा है घूमने की, कभी है कभी नहीं है। गर्म कपड़ा पहन लिया जाए, हर समय इच्छा नहीं होती। लोग बोलते हैं अभी मूड नहीं कर रहा है, बंद करो। सुबह सुबह फिल्मी गाना लगा दिया किसी ने, सुबह आप उठे 6 बजे और बड़ी तेज किसी ने फिल्म का कोई गाना लगा दिया, बोले बंद करो। शायद बाद में हमारी इच्छा हो जाए, जब रजोगुण बढ़ जाएगा तो हमारी इच्छा हो जाएगी, लगाओ अलग, सुबह लगा रहे तब लगाओ। लेकिन सुबह गायत्री मंत्र है या ओम जय जगदीश हरे है, उसको लगाओ जाना। ये सब तरह तरह की इच्छा। शादी की इच्छा कभी हुई थी, फिर होने के बाद लगा कि क्यों हुई, फिर बाद में लगा कि अच्छा हुआ, हो गई। ये सब वैरी करती है, सब बात है, आपका अनुभव होगा। इट इज अ वेरिएबल वेरिएबल एस्पेक्ट। सच बात बोल रहे, ये बहुत ही मुश्किल है कि आपने जो इच्छा करी वही इच्छा एकदम उसी इंटेंसिटी से समान रूप से है। जब भोजन का पहला कौर खा रहे हैं, व्हेन आर यू ईटिंग द फर्स्ट मॉर्सल ऑफ फूड, द इंटेंसिटी विद विच यू ईट इज डिफरेंट देन द लास्ट मॉर्सल ऑफ द फूड।
फिर आखिरी व्रत लगता है वेस्ट हो जाएगा, खत्म कर लेते हैं, ज्यादा फिर भी लोग खा लेते, बोले वेस्ट हो जाएगा, खत्म खा डालो। तो शायद फोर्स करके आदमी खा लेता है आखिरी के कुछ जो चार पांच कौर होते हैं। तो एक होती है इंसिडेंटल डिजायर, आगंतुक इच्छा, और एक होती है क्या बोले, इंट्रिंसिक डिजायर, बस वास्तविक इच्छा। इसको थोड़ा सा पकड़िएगा, दोनों इच्छाओं में भेद कर लीजिएगा। जो आती है जाती है वो इंसिडेंटल है, किसी नैमित्तिक बोल लीजिए, आगंतुक बोल लीजिए, नैमित्तिक बोल लीजिए, आई विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश ऑल्सो। नैमित्तिक मीन्स विथ सम कॉज। भोजन की इच्छा हुई लेकिन पता लगा कोई अर्जेंट कॉल आ गया तो चली गई। जिस दिन ऑफिस जाना होता है कि उस दिन भूख नहीं लगेगी, लेकिन जिस दिन घर में रहेंगे भूख मत लगेगी, क्योंकि वहाँ वहाँ के डिफरेंट इन्वायरमेंट, वहाँ कभी सैंडविच लेके गए वो भी नहीं खाए, वापस गए क्योंकि टाइम नहीं मिला, फंसे थे वहाँ पर, टेंशन का इन्वायरमेंट था। ठीक है, सबसे जो मौलिक इच्छा है उस पर आना चाहते हैं। देखो इच्छा का स्वभाव से हमारे व्याप्ति है, एक शब्द है व्याप्ति, व्याप्ति मतलब यत्र तत्र तत्र, यत्र यत्र तत्र तत्र, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। तो अग्नि की धूम में व्याप्ति, सुन लीजिए, नहीं समझ तो छोड़ दीजिए, एक क्लास में सब बात समझ नहीं आती तो आप बहुत उम्मीद मत रखिए सब समझ में आ जाना चाहिए, आ गया नहीं आता नहीं आया फिर उसको रिपीट करें, चिंता मत करें। तो जहां इच्छा होती है वो बताता है व्यक्ति का स्वभाव क्या है, और जो इच्छा जितनी अधिक होगी पता लगेगा वो स्वभाव बहुत ज्यादा है। हमें अमुक आदमी के साथ रहने की इच्छा है बहुत ज्यादा, तो लगेगा इनके स्वभाव में वो उनके साथ उनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, हमें बिल्कुल नहीं चाहता, थोड़ी देर के उनके साथ है कि टॉयलेट ही में नहीं बोलो, बोले साहब पका दिया आप आलू थे क्या। तो हमको लगा हम उनके साथ तो नहीं रह सकते, पाँच मिनट हम नहीं रह सकते, तो बहुत उनके साथ नहीं रहने की जो डिसलाइक है बहुत ज़्यादा है। बोले उनके साथ हम पूरे जीवन, हम तो उन्हीं के साथ ही रहना चाहते। तो जो इस इच्छा जितनी ज़्यादा होती है और जितने काल में होती है वो हमारी ज़्यादा क्लोज होगी। एक इच्छा है बस जो कि आपके समय दिन रात रहती है और उसका नाम है स्वतंत्र रहने की इच्छा, द डिजायर टू बी फ्री। ठीक कह रहे हैं ना, जब कैंप में भी आना हुआ तो प्रश्न करते हैं कब तक का है, क्लास में है बोले फंस तो नहीं जाएंगे, समझ में आएगा हमको ये क्या विषय क्या है, तो बोले विषय पूर्ण मदा पूर्ण मदा, बोले बिना शुरू हुए खत्म हो गया। तो जो ये विषय है और यह भागवत पे है, बोले समझ में आएगा कैसा बोलते हैं समझ, ऐसा तो नहीं बैठना पड़ेगा बस मजबूरी में बैठे हुए हैं, बोले तुमको अच्छा लगता तुमको हमें नहीं इतना अच्छा लगता ना, हमको फ्रीडम चाहिए अपनी। फ्रीडम का मतलब क्या उसको सोचते हैं, लेकिन हमारी बहुत बेसिक डिजायर है कि फ्रीडम। एक शॉल गर्म लगने लगता है तो आप उसको हटा देते हैं, कभी कभी कई कई कपड़े होते हैं नए होते हैं बहुत सुंदर होते हैं लेकिन अच्छा पुराना वाला लगता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता लेकिन वो ज्यादा कंफर्ट रहता है उसमें, तो आप जैसे ही मौका मिलता पुराना वाला पहन लेते हैं क्योंकि फ्रीडम मालूम पड़ती है उसमें। और दूसरे कहेंगे तुम फिर वही पहन लिए, लेकिन वो जो इतना हमें कंफर्ट देता है ये नया वाला नहीं देता। तो हमारी जो बेसिक जो हमारी डिजायर है बहुत बड़ी डिजायर है वो है फ्री रहने की, इसको आप पकड़ के चलिएगा बस। फ्रीडम किसको बोलते हैं उस पर हम आते हैं। सोने के समय भी हमको लगता है हम सोएंगे कोई हमको जगाए ना, हम समय से उठ जाएंगे,
जो रूम पार्टनर है उसको भी देख के लगता है भाई हमारी फ्रीडम को मत हटाओ, अगर हमारा इस समय समय बात नहीं करना तो प्रश्न मत करो हमसे। लाइट हम ऑफ करना चाहते तो मौन मत करो, अगर हम लाइट ऑफ करना चाहें अंधेरे में नींद आती है। हम अपना फ्रीडम चाहते हैं, शायद आपकी डेफिनेशन अलग अलग हो। जॉब में भी कोई बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देता है, मुझे लगता है बहुत तुम पीछे हमारे पड़ गए हो, तो पीछे मत पड़ो। आप दुकान पे गए बार बार कोई कह रहा ये खरीदो ये, बहुत पीछे मत पड़ो, कोई बहुत इंस्ट्रक्शन नहीं लेना चाहता। फ्रीडम है क्या? जिस स्वतंत्रता की हम पीछे भाग रहे हैं, और आप उस व्यक्ति को नहीं पसंद करते जो आपको बांधता है, जो आपकी फ्रीडम को ले लिया उसने, आप बाहर जाना चाहते उसने रोक दिया, आप उनसे बात करना चाहते तो उसने रोक दिया, बोले हमको यार हमको रहने दो जैसे हम रहें। तो ये फ्रीडम है क्या, इसके बारे में सोचते हैं चले। तो जो स्वतंत्रता जिसको हम बोलते हैं, दो चार बात समझिएगा, उसको हमने बहुत विचार नहीं किया इसलिए हम लोग को इसका अर्थ समझ में नहीं आया। फ्रीडम का तीन चार मतलब है। स्वतंत्रता का, हम किसी काम से मुक्त हो गए, बोले हम इस काम से फ्री हो गए। दूसरी बात, हम किसी भोग से मुक्त हो गए, बोले हमारी वो हैबिट थी अब वो हैबिट नहीं है, इट वॉज माई वीकनेस लेकिन हमने स्मोकिंग छोड़ दिया। मेनी टाइम्स आई लेफ्ट स्मोकिंग, कई बार हमने हमने उसको छोड़ दिया। तो किसी कर्म से हमें छुट्टी मिल गई, किसी भोग से छुट्टी मिल गई, और क्या मतलब होगा। हमारे अंदर कोई भोगता नहीं है, हमें कोई चीज जब लिमिट करती है तो हमको लगता है बाइंड कर रही है। ध्यान दीजिएगा, किसी के साथ रहने में समस्या नहीं होती, हमको लिमिट करता, हमको कोई बताता तुम कितने छोटे हो, कितने स्मॉल हो, कितना उसको बोलते हैं सीमा। काम इज नॉट अ प्रॉब्लम कि हमें काम करना है, लेकिन तुम आज शाम तक पूरा कर दो उसको, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा, देखो तुम बहुत पीछे पड़ गए हमारे, हमसे होगा नहीं है। ये जो आप सीमा हमारे ऊपर कोई डालता है या हमें लगता है, एकादशी का व्रत रहो, भले हमसे नहीं होता लेकिन तुम रहो, तुम हमको क्यों बता रहे हो। तुम अगर आप कहीं पे कोई छोटा बनाता है आपको, कोई व्यक्ति, कोई काल, कोई देश, कोई कर्म आपको छोटेपन की अनुभूति कराता है, आपको होती है, वो नहीं करता तो भी होती, कई लोग ऐसे भी हैं, बाहर से किसी ने करवाया नहीं लेकिन हो गया ऐसा। हम गए कहीं पे तो कोई डिनर दे रहा था, सामने बैठे थे जो होस्ट थे, बीच में कोई और बैठा, एक नया आदमी आया, उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए, वो बाहर आके हमसे बोले हम आगे कभी नहीं जाएंगे, उनके बगल में जो बैठने की सीट थी उन्होंने दूसरे को बैठा, हमको नहीं बैठा, हमने को कोई पहले से ही बैठा था, तो बोले पहले से बैठा तो क्या हुआ, हमको उठा देना चाहिए था, हम सीनियर हैं उनसे। सीनियर मिशन मेंबर थे, जॉब में नहीं सीनियर थे। बोले हम एग्जीक्यूटिव कमेटी में पहले आए, ये बाद में आए, लेकिन इन्होंने हमको उधर बैठा दिया। हमने कहा भाई चांस हो गया क्या, हमें नहीं लगता कोई इंटेंशनल हुआ होगा। बोले जो भी हो लेकिन हमको बहुत छोटापन मालूम हुआ, ये जो मालूम हुआ यही सीमा का अनुभव हुआ। देखो दुख नाम की कोई चीज होती नहीं है, ध्यान देकर सुनिएगा। लाल है, पीला है, हरा है, ये कपड़ा है, ये घड़ी है, ये किताब है, ये माइक है, ऐसे कोई दुख है क्या? बोले ये दुख आ गया, ये चल रहा है, देखो बाहर चला गया। काला है, लंबा है, गोरा है, छोटा है, दुख नाम की चीज होती ही नहीं है वेदांत में। दुख जो होती है, इसको ध्यान दीजिएगा, अहम में जो सीमा का अनुभव होता है, उसके सामने गए, उसने बहुत अच्छा भजन सुनाया,
हम सुना नहीं पाए। तो क्या हुआ, नहीं आया तो नहीं हुआ, नहीं नहीं हमको बुरा लगा कि हम नहीं सुना पाए। ये जो अहम छोटेपन की अनुभूति हुई है, शायद उसने कुछ नहीं बोला। एक से कहा भाई भजन सुना, उसने बहुत अच्छा भजन सुना दिया, क्लासिकल सिंगर था। दूसरे से कहा उसने सुना, सुनाया लेकिन उसका अच्छा नहीं आया। जो पहले वाले को सब लोगों ने कहा भाई तुमने तो बड़ा गजब को सुनाया, ये सुन रहा था। दूसरा वाला पहले वाले की तारीफ सुन रहा था। हम इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए भाई, भाई तुम्हारा ज्यादा अच्छा था, हम तो सीखते भीखते हैं नहीं, हम तो बस टेम्पल सिंगर हैं, इसे सुना देते हैं, मान ऐसे कुछ भी गा देते हैं। चंचल मन नितराम कोई भी रा। अब वो उसने बोला कि उनकी जो प्रशंसा हुई उस, हालांकि हमारी नहीं हुई, लेकिन हमें पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा आज। वो आपने अपने अंदर सीमा का अनुभव करा लिया, इट इज ऑप्शनल। परिस्थिति इज नॉन ऑप्शनल, लेकिन अहम जो सीमा का अनुभव हुआ उसको आपकी वो बनाई बनाई। Nobody can force you to feel I am small. चलिए ठीक है बात। तो जो फ्रीडम आप बोलते हैं वो अहम में सीमा का अनुभव हमें ना करवाए कोई, या हमारे अंदर अहम का सीमा का अनुभव ना हो। हम काम बहुत करेंगे लेकिन हम छोटेपन का अनुभव ना हो, टेंशन का अनुभव ना हो, फिर हमें ये करना है पूरा करना, नहीं पूरा करेंगे तो क्या होगा। ये जो अहम में सीमा का अनुभव होता है, इसी का नाम जो है, इसी का नाम होता है कि हम फ्री नहीं हैं। जॉब इज नॉट अ प्रॉब्लम, ध्यान देकर सुनिएगा, और फैमिली इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। कर्म से, शरीर से, परिवार से समस्या नहीं है, लेकिन काम करने में जो एंग्जाइटी है, हम नहीं होगा तो हम क्या जवाब देंगे, नहीं होगा तो हमको छोटा समझा जाएगा, नहीं होगा ये काम तो आई विल बी कटिंग अ सॉरी फिगर, बट यू आर हैविंग अ सॉरी फिगर। वो जो अपने अंदर एक कॉम्प्लेक्स आने लगता है। हमने बोला था ना कहीं पे, एक कोई था, अब कहाँ का हम नहीं बोल रहे हैं। अब एक जो लड़की थी, कहीं जब जब शादी का कार्ड आता हम दुखी हो जाते हैं। आप समझ ही पाएंगे क्यों, एनी टाइम मैरिज कार्ड कम चीज है ना, और दिन भर हमारा खराब चला जाता है। समझ गए भाई, उसकी शादी नहीं हुई, उसकी एज काफ़ी हो गई, उसने कोशिश बात किया शादी नहीं हुई। हमने कहा लेकिन जो शादी का कार्ड भेजा उसने तो कुछ नहीं, ऐसा उसकी इंटेंशन था। बोले नहीं, उसकी कोई गलती नहीं थी, हमारे अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। अब उसकी शादी हो गई, अब उस शादी होने के बाद अलग सीमा का अनुभव हो रहा उसको, वो अलग बात है। लेकिन जो हम में जो अनुभव हो रहा है फ्रीडम आपकी, जब आप बोलते हैं ना इनके कारण हमारी फ्रीडम चली गई, ऐसा नहीं है। आप उनके कारण फ्रीडम नहीं गई, उनके कारण आप लिमिटेड फील कर, ही मेक्स यू फील स्मॉल, ही मेक्स यू फील टेंस्ड, ही मेक्स यू फील वरीड। Either he makes or I get it, I don't know. इसी के नाम हमारी बेसिक इच्छा अगर नहीं कहीं सेटिस्फाई होती, अगर आप यहाँ पे भी कैंप में आए हैं और आपको फोर्स किया जाए किसी चीज़ के लिए, तो आप वेट करेंगे कब 3 अगस्त आए हम भाग जाएं। हम परेशान हो गए यहाँ से तो। जो भी हमारी बेसिक चीज़ है, I want to be unlimited. मतलब आप कोई चीज हमको सीमा में ना डालें, हमको ब्रैकेट में ना डालें। हम काम भी करेंगे, परिवार में भी रहेंगे, सब जगह जाएंगे। I'm not saying nobody is forcing you. You are feeling smaller in yourself. You are feeling tensed in yourself. You are feeling worried. You are feeling fearful. Worked up. इट इज नॉट कि आपके हमने सुबह उठे बहुत ढेर सारे टू डू प्रोग्राम है, आज ये भी जाना, 7 बजे 8 बजे मीटिंग है, 9:30 बजे उनसे मिलना है, ये प्रोजेक्ट है, ये डिस्प्ले करना है, उससे टेंशन नहीं होता है। होता ही कर पाएंगे, हो पाएगा, नहीं हुआ तो उसके साथ एक क्वेश्चन मार्क हर चीज के साथ लगा रहता है।
नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? पिछले बार तो बहुत अच्छा हो गया था, लोगों ने बहुत हमने प्रशंसा किया था, अब वो स्टैंडर्ड हमारा बहुत हाई हो गया है, तो अब वो नहीं अगर हम परफॉर्म कर पाए तो ऐसा तो नहीं लोग हमारे हमको अपनी दृष्टि से नीचा उतार देंगे ना। ये जो आपने अनुभव किया ये बोलते हैं दिस इज अ टेंस एरिया, ये दिस इज अ रियल डिजायर। याद रखिए ये सब समय है, भोजन के पहले, भोजन के समय, भोजन के बाद, सोते समय, जागने पे, बात करते समय, सारी डिजायर एक ही डिजायर जो सब समय है। कोई इच्छा जो सार्वकालिक सार्वदेशिक है वो ये इच्छा है आपकी, बाकी इच्छा अल्पकालिक है अल्पदेशिक है। चले आगे, ठीक है, कोई बोली नहीं रहा है, बोली ठीक है आप बोलिए, कोई परेशान मत होइए, आप बोलते रहिए। हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं समझ रहे हैं, हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं सब बात। बट एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई इस बेसिक इच्छा के अगेंस्ट, हमने अपने आप को बनाना शुरू कर दिया। यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों, हमने क्या किया ऐसा? रुकिए सुनिए तुम्हारी बात, लेट मी कंप्लीट, ओके कंटिन्यू। हमने तीन गलती कर दिया। पहली गलती किया, हमको लगा कि आई एम इनसिक्योर, ध्यान देंगे सुनिएगा, हमको लगा कि हम इनसिक्योर हैं। अच्छा अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारी बेसिक इच्छा फ्रीडम की होगी तो हमारा स्वभाव भी तो फ्रीडम का, कंक्लूड करिएगा। इच्छा और स्वभाव हैज लॉट टू डू, बोलते नहीं इनका स्वभाव है सोने का बहुत है, एयरपोर्ट गए सो गए। ऐसा भी हुआ ये बॉम्बे में फ्लाइट में, आई मीन ट्रेन में लोग सो जाते हैं, वो ट्रेन यार्ड पहुंच जाती है अकेले, और जब ट्रेन की क्लीनिंग हुई तब ही उठे, ऐसा भी हुआ कहीं पे, हमने ऐसा सुना। इनकी इच्छा ही ऐसी है, मतलब जिसकी इच्छा जैसी होगी वैसा स्वभाव होगा। बहुत फुर्सत समझिए, आनंद से रहिए, टेक योर ओन स्वीट टाइम। अगर हमारी इच्छा फ्रीडम की है, स्वातंत्र की है, तो हमारे स्वभाव में, हमारे अहम की इच्छा, अहम का स्वरूप भी स्वतंत्रता का ही होगा। जब हमने बोला स्वतंत्रता का होगा, इसका मतलब उसमें कोई कर्म नहीं है, कोई भोग नहीं है। हम काम करेंगे तब ठीक होगा, नहीं तब गड़बड़ हो गया, तब तो गड़बड़ हो गया। अगर कर्म होता है फिर आप बोलते नहीं आज हम फ्री है, कुछ काम नहीं हमारे पास, कहीं जाना नहीं, कुछ काम नहीं है, आज काम बहुत, आज हम फ्री नहीं है, ये सब वर्ड हम यूज करते हैं, आज हम फ्री नहीं है, आज बाद में बात करेंगे, हमारी बर्थडे आज बाद में बात करेंगे आपसे, हम दो घंटे बाद फ्री होंगे, हमारी मीटिंग है। तो काम का फ्रीडम से बड़ा लेना देना है। जो आदमी भोग करता है तो भी फ्री नहीं रहता, बोले आज हम इंजॉय करना है, आज हम पार्टी के लिए जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने, साइट सीइंग पर जा रहे हैं, आज हम फ्री नहीं हैं। हाँ हम भोजन कर रहे हैं, हम फ्री नहीं हैं, हम जरा भोजन करके आते हैं। सो कर्म और भोग, अगर हमारे अहम का स्वभाव अगर फ्रीडम का है, इसका मतलब है कि अहम में कर्म नहीं है और अहम में किसी चीज के भोगने की इच्छा नहीं है। दो बात हो गई। तीसरी बात, अगर वो फ्री है तो कहीं जाने की इच्छा नहीं है हमें। सब डेटा कलेक्ट कर लीजिएगा, बाद में काम आएगा। बोले टॉपिक क्या चल रहा है, चार क्वेश्चन है। बोले वो तो हम भूल गए क्या क्वेश्चन है। ये पूर्ण मदा मंत्र यजुर्वेद का है, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद।
तो उत्तर भारत में जो है शुक्ल यजुर्वेद है और दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद है। वो दोनों की चैंटिंग में थोड़ा थोड़ा अंतर है। और ये जो मंत्र आता है पूर्णमदः, ये यजुर्वेद में आता है, यजुर्वेद में भी, यह शुक्ल यजुर्वेद में आता है। और शुक्ल यजुर्वेद में दो उपनिषद है, ईशावासर बृहदारण्यक। आएंगे इस पे। ईशावास और बृहदारण्यक, ईशावास की कमेंट्री है बृहदारण्यक, ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है। तो यजुर्वेद के पहले वेद की जरूरत क्या है उसको बताते हैं। तो जो वेद शब्द है उसके बारे में आते हैं, तो जो स्वातंत्र की बात फिर आ जाते हैं। अगर हमारा स्वभाव में स्वतंत्रता है तभी हमारी इच्छा में स्वतंत्रता है। और कोई अगर कहीं पे बन जाता है तो हम लोग कहते हैं देखो बेचारा फंस गया। अगर कोई स्वतंत्र है तो नहीं बोलता बेचारा स्वतंत्र है। जो आपको दुख होता है किसी बात को लेकर तो बंधन को ही लेकर होता है, देखो गरीबी में फंस गया, ये काम में फंस गया, ये अगर कोई दुखी है तो बोलता है क्यों दुखी हो भाई, बेचारा दुखी है आज। सो स्वतंत्रता इज इक्वल टू जॉय। जब किसी से प्यार करते हैं ना, जिसे करते हैं उसको सोच लीजिए, वो आपको बहुत फ्रीडम देता होगा, आपको बड़ा बना देता है। और जिसे प्यार नहीं कर पाते तो छोटा बना देता है। इसी नंबर उनसे दूरी रहते हैं, दूर से नमस्ते करते हैं उनसे, हम हमारी भाई हमारी केमिस्ट्री नहीं बनती, केमिस्ट्री में रिएक्शन होने लगते हैं। तो जो एक स्वतंत्रता की अनुभूति है, बहुत बड़ी अनुभूति है, बहुत कीमती है, इसके लिए लोग घर छोड़ देते हैं। तो भवन महाराज को लगा कि हम घर में रहेंगे हमारी वो स्वतंत्रता नहीं रहेगी। जब चल जाए ध्यान करो भाई, घर में रहो तो आंसर भी लेना पड़ता है, कहाँ जा रहे हो, क्यों बैठे हो, चुप क्यों हो, नाना जी आ रहे हैं, पापा जी आ रहे हैं, एयरपोर्ट जाओ लेने के लिए, गेहूं खत्म हो गया उसको ले आओ जाओ, वेजिटेबल नहीं है जाओ ले आओ, बाहर आया है आयन वाला उसको उसको देखो क्या कर रहा है वो, बड़ी प्यारी चीज है। अच्छा हाँ देखो वो आए हैं, उन्होंने को तो कह रहे हैं तुम बाकी बैठो तो उनके साथ, बोले मार मार मुझे बैठे तो थोड़ी देर जाओ बैठ जाओ ना, थोड़ी हाँ बैठ जाइए ना, हम आधे घंटे से बैठे जा ही नहीं रहे। सब होता होगा घर वर में, आपको पता होगा ये तो। बोले लेकिन हमने उनसे कहा कि हम लोग को जाना है, फिर भी नहीं जा रहे, कब तक बैठेंगे, कब तक बैठे, समझ नहीं आ रहा है। सो लाउड दे आर इन विस्परिंग एवरीबडी कैन हियर। अब फिर वो गए, फिर हमने तीन बार चाय हमको बना के दिए, तीन बार चाय पिया, अब तो हम बाहर चले, कब तक बैठेंगे, इसीलिए नहीं बुलाते इनको, आप ही नहीं बुलाया था ना, हमको तो पता नहीं, 7:30 बज रहा है। आगे से नहीं बुलाएंगे इनको, बता देंगे कि हमको जाना है 9 बजे। जो आपकी इतनी प्यारी सी चीज है, कोई थोड़ा सा भी छीनता है ना, चाहे वो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, चाहे आपकी कुर्सी हो, अगर कुर्सी में आपको डिस्कम्फर्ट मालूम पड़ रहा है, आप गए एयर फ्लाइट में और जो जो ये वाली जगह थी क्या बोलते हैं, आर्म रेस्ट, अब वो आदमी अपना ऐसे पहले से कर दिया उसने, आप ऐसे करें उसको, आप कैसे उसको करें, अब हम ऐसे सिकुड़ के बैठे हुए बीच वाले दोनों ही ऐसे बैठे हैं, तो जैसे वो गया वाशरूम पहले से फैल गया से, फिर हम ऐसे बैठ गए। ये इतनी प्यारी सी चीज है स्वतंत्रता।
वापस आया, हम पहले से डटे हुए हैं, बोले तो हम नहीं हटेंगे। ये आप बैठने में स्वतंत्रता चाहते हैं, अगर आपको लगेगा ना यहाँ पे बड़ा सिकुड़ना पड़ा है, सब लोग आसपास हैं, इससे मतलब मजा नहीं है, तो आप ऐसे कहीं घूम के जहाँ आसपास कोई नहीं, सर फैल के बैठ बैठने में कुछ स्वतंत्रता होगी। हर जगह ये चीज है। आप भोजन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये हमको डिस्टर्ब करेगा, हमारे स्टमक इससे ठीक नहीं रहता, या हमें जो है जलन होती है, तो फिर आप कहेंगे इसको रहने दीजिए। तपोवन महाराज को लगा घर में वो हम सब दादा, आई कांट एक्सरसाइज माई फ्रीडम इन द हाउस। केरला में थे, पालघाट के पास ट्रेन लेके जल्दी, उनके भाई ने पूछा कब आ रहे हैं, कोई उत्तर नहीं। बनारस पहुंच गए, एक छोटा सा झोला हाथ में, कोई पता नहीं कहाँ है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है। ये अहम का स्वभाव है, हमारी बेसिक नेचर ही यही है। ध्यान देखो, सुनिए, गलती कहाँ हुई है? गलती हो गई तीन इच्छा से। अगर हम स्वतंत्र हैं तो हमारे में इच्छा होगी। भाई हम तो स्वतंत्र हैं, इच्छा मतलब कि उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अब धीरे से अज्ञान के कारण हमारे पास तीन इच्छा आ गई। एक इच्छा आ गई कि हम असुरक्षित हैं, आई एम इनसिक्योर। ध्यान देखो सुनिए, स्वतंत्रता मतलब ही कि यू आर सिक्योर। हम इनसिक्योर मालूम पड़ा हमें, और फिर हमने गलती क्या किया, जो हमारे अहम की इनसिक्योरिटी थी हमने वस्तु के न होने पे डाल दिया। नाउ आई एम फीलिंग इनसिक्योर बिकॉज आई डोंट हैव दैट मर्सिडीज कार, आई हैव ऑर्डिनरी कार। विच वन? एम्बेसडर। किस सन वाले हो तुम, किस युग वाले हो? नहीं, उन्होंने ऐसी बात बोला, उसके बाद बात लग गई। आई एम फीलिंग इनसिक्योर इन द पार्टीज, सबकी कार लगी रहती है स्वामी जी वहां पे। उसके बीच में हम गए अपनी कार लेके, इतनी इनसिक्योरिटी मालूम पड़ी अपनी आइडेंटिटी को। ये सब होता है भाई, बड़ा कमजोर है ये आदमी। आपके बेटे की शादी नहीं हुई या जॉब नहीं लगी, दूसरे की बेटी लग गई, तो आए कहिए साहब गुप्ता जी कैसे हैं? बोले बहुत अच्छे। तो बोले आपके बेटा क्या कर रहा है? बोले नहीं, तो पढ़ाई लिखाई कर लिया उसने, MBA कर लिया है, BCom किया था, MBA किया। अच्छा, हाँ BTech भी हो गया था उसका, कहाँ जॉब कहाँ कर रहा है? नहीं जॉब अभी तो नहीं लगी। अच्छा, नहीं लगी, अभी 2 साल हो गया, जॉब ढूंढ रहा है थोड़ा सा। आपके? बोले वहां जो लग गई तो चला गया वो, तो जहाँ लग गई उसकी। अच्छा, हाँ वो कहाँ है? वो LNT में काम कर रहा है। ओ, इनका चेहरा उड़ गया। अच्छा, कब लगे बाय द वे? भले तो लास्ट वीक उसका ये ऑफर आया, बहुत बढ़िया पैकेज दिया। ओरिजिनल हेड है उसका, नॉर्दर्न स्टार्ट स्टार्ट हेड से किया उसने। बोले हाँ, एक्सपीरियंस तो उसको ओरिजिनल हेड बना दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब फ्यूज उड़ गया अंदर से, अब आगे माइंड कॉपरेट नहीं कर रहा है बात करने के लिए। बोले और घर में ठीक? चले हम, तबीयत ठीक नहीं लग रही, जल्दी जाना चाहिए। जो इनसिक्योरिटी थी ना वहाँ गई, देखो हमको क्या समझेंगे हमारी, ये सब छोटी छोटी बात बता रहे। इनसिक्योरिटी मतलब क्या? इनसिक्योरिटी जो है वस्तु के नहीं होने से नहीं है। ध्यान दे,
अहम में अज्ञान से आपके अंदर असुरक्षा का भाव है, उसको आपने दूसरे चीज के न होने पे सुपर इम्पोज किया है, आपने उसको डाल दिया है। चलो बच्चे की शादी हो गई, उसकी भी जॉब लगी, अब कोई और मैटर आने वाला है, वृत्ति अपना विषय ढूंढ लेगी, आपका नेचर है ना तो स्वभाव ढूंढ लेगा, जिसका झगड़ा करने के समय तो किसी को ढूंढ लेता है, क्योंकि आपका बेसिक नेचर हो गया इनसिक्योरिटी का, तो आप कोई और इशू निकालेंगे। बोले शादी उसकी नहीं हुई, जॉब तो लग गई शादी हो जाएगी। बोले नहीं, वो 35 एज हो रही है, शादी नहीं हो रही उसकी। शादी तो हो गई लेकिन बहू ऐसी नहीं है जिसे हम चाह रहे हैं। नहीं, बहू तो आ गई लेकिन उसका जो बेटा भी नहीं हुआ है। नहीं, उसके पोता तो हो गया लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा हम चाह रहे हैं। उसके पोते बहुत अच्छे हैं, हमारे पोते में लिपा पोती हो रही है, लेकिन उसका जो पोता ज्यादा अच्छा। कुछ ना कुछ इशू निकल आएगा, आप पता लगा लीजिए अपने आप को। कुछ पैसे का इशू निकल आएगा, प्रेस्टीज का निकल आएगा, हेल्थ का निकल आएगा। डॉक्टर साहब क्या गए, ब्लड प्रेशर लिया उन्होंने, बोले क्या हुआ, बोले आपका बहुत बढ़ गया है, आपको पहले था ब्लड प्रेशर, बोले हमको तो कभी नहीं हुआ, कभी आपको ब्लड प्रेशर नहीं होता ना, कभी नहीं हुआ, दिखा रहा है इसमें तो आपका आ रहा है, कितना 150 आ रहा है, 150/105 ये तो नॉर्मल है, आप पढ़े लिखे, ये नॉर्मल है, 150 नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल कितना, नॉर्मल है 120/80 के आसपास है, 80-90 के बीच में रहे, कि क्या ब्लड प्रेशर, क्या टेंशन है आपको, नहीं टेंशन, अब हाँ इनसिक्योर हो गए सर। अब लगा अब क्या दवाई खाएं, पता नहीं क्या होगा, फिर गूगल किया और उसमें इतनी रिस्क आया ब्लड प्रेशर, उसमें इतना रिस्क है कि इसमें ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। हम सच बता रहे हैं आपसे, अब हेल्थ के लिए हो गया, फाइनेंस के लिए हो गया, बेटे को लेके हो गया, घर को लेके हो गया, माता पिता को लेकर हमेशा ही रहा, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी हम उनको लेकर और इनसिक्योर हो जाएंगे। विदान ने कहा हेलो, आपके अंदर ये भ्रम है कि आप में इनसिक्योरिटी, आप उसको सुपर इंपोज कर रहे हैं दूसरे में, आपने अपनी इनसिक्योरिटी जो आपने भ्रम से मानी हुई है वो आपने दूसरे पे डाल दिया है, और आप ब्रह्मा भी हो जाओगे तो भी इनसिक्योरिटी बनी रहेगी, आप इंद्र हो गए तो भी इनसिक्योरिटी बनी रहेगी, यूएस के प्रेसिडेंट हो गए तो और इनसिक्योरिटी बनी रहेगी। बड़ी से बड़ी पोजीशन आप प्राप्त कर लीजिए, ठीक बुढ़े हो रहे हैं, अब मैं बोले नहीं जवान लोग अच्छे होते हैं, उनकी जॉब की इनसिक्योरिटी है। फैमिली इनसिक्योरिटी हमेशा ही रहती है, सब ठीक है बच्चे, तो बच्चे बच्चे सब ठीक है, परिवार होगा सब ठीक, हो ही नहीं सकते, वो परिवार ही नहीं रहेगा। जिस वर्ल्ड से आप सिक्योरिटी सीख कर रहे हैं, इट इज माया का वर्ल्ड है, इट इज मेड आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, आपका शरीर इज मेड आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, जो अज्ञान का कार्य होगा वो असुरक्षित ही रहेगा, गया आया गया। बोले कितने अच्छे हम लोग दोस्त थे, आज की बात ही नहीं करते आज, अच्छा हम लोग बहुत क्लोज थे सब, बहुत बहुत क्लोज थे आप लोग, भाई है ना, भाई नहीं थे, भाई से ज्यादा था वो, भाई से ज्यादा था वो, अच्छा हमारी बेटी का कन्यादान उसने किया, आप कहाँ थे, नहीं नहीं उसने कहा हम हैं, लेकिन आज को क्या हुआ, आजकल बात ही नहीं हो रही है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, पता नहीं कुछ ऐसी बात हो गई, रिलेशन गड़बड़ हो गया, रिलेशन वो बात नहीं रही है, वो बात नहीं रही है, बात होती कभी बात हो जाती है थोड़ा बहुत, कभी कभी हेलो हरिओम हो जाता है, लेकिन उसको भी पता है कि हम नहीं कर कुछ, तब
आप कितने लोगों के माता पिता होंगे वो नहीं रहे, जॉब होगी वो नहीं रही, जो जगत है। गुरुदेव बोलते थे आइंस्टीनियन वर्ल्ड ऑफ टाइम एंड स्पेस, उनका एक फ्रेज था, आइंस्टीनियन वर्ल्ड ऑफ टाइम एंड स्पेस इज मेड आउट ऑफ माया। जो ये माया से बनी हुई चीज है, जिसका नाम ये शरीर है, इसका मन है, संस्कार है, ये सब इनसिक्योरिटी से बना, ये आया गया राम। दो दिन पहले पूरा हाल खाली था, अभी भर गया, फिर कुछ दिन बाद फिर खाली हो जाएगा, फिर भर जाएगा। यहाँ पहले क्लास नहीं होती थी, हाँ पहले क्लास उस वाले हॉल में होती थी। तो गुरुदेव ने देखा कि भाई यहाँ बड़ी भीड़ हो रही है, फिर यहाँ कमला हॉल बनाया गया। कई लोग पुराने होंगे उनको पता होगा, कमला हॉल बनाया गया। कमला हॉल बनाया गया, पहले पीछे खुला हुआ था, जो धौलाधार हिल है ना सामने दिखता था, बाद में एक एक वॉल बना दी गई पीछे से। वो जो भगवान कृष्ण ने पहले नीचे थे, इसी फ्लोर में थे, देखा होगा जो लोग शुरू में आए। ये तो हाल हमारे ख्याल से 5-6 साल, 6-6 साल हुआ ना चुम्बो ना, 6 साल समथिंग लाइक दैट। कहिए हम इनसिक्योर नहीं है, स्वतंत्र है, हम न आए थे न जाएंगे, न हमारे में बढ़ाई होगी, हम घटे हैं। लेकिन हमको लगता है, आपको लगता है, लग रहा है, हर समय लगता है, नहीं हर समय नहीं लगता है, इतने भी बुरे नहीं है, हर समय नहीं लगता है, लेकिन लगता है। अच्छा, कई एरियाज हैं जो बाहर की चीज के साथ दो डिपार्टमेंट रखो, एक इदम का एक आम का, और वेदांत आने वाला है, बोले मिक्स मत करो, तो माया के साथ आम को मिक्स मत करो। वो जो इनसिक्योर है वो है, बाहर की चीज इनसिक्योर है, मान लो उसको, पति पत्नी भाई बहन ये सब कुछ भी नहीं रहेंगे, आपके घर के आगे नेम प्लेट किसी और का रहेगा, 50 साल बाद आपके घर के आगे नेम प्लेट किसी और का रहेगा, शायद अगर आप भाग्यशाली होंगे तो बेटे बेटी आपकी फोटो रख लेंगे, शायद, पक्का नहीं वो भी, क्योंकि एस्थेटिकली वो नहीं फिट हो रही है, तो शायद ना रखें। इंटीरियर डिजाइनर ने आया बोले कि भाई आप यहाँ जम नहीं रही है, यहाँ फोटो, यहाँ एक गमला रख दीजिए आप तो ज़्यादा अच्छा है, इतना महंगा करोड़ों में लगाया है और यहाँ पता नहीं, आपका घर, आपका जॉब, आपका जो नाम रहा जॉब में, आपके कपड़े सब कुछ, वो सब है नहीं, आम का एकदम से संबंध ही नहीं है। इस पे आने वाले हैं, पहली गलती हमने अपने आप को इनसिक्योर समझा और उसके कारण चीज़ों को लोगों को बटोरते गए, वो असुरक्षा का भाव कम नहीं हुआ। इस इनसिक्योरिटी को दूर करने के जो प्रयास किया जाता है उसका नाम होता है अर्थ पुरुषार्थ। दूसरी गलती, बोले आप गलती बताइए, नहीं गलती छोटी छोटी गलती है, उसको बताना पड़ेगा जितने उससे बड़ा दुख आ गया। दूसरी गलती जो हुई हम लोग से, हमें लगा कि हम बहुत बोरिंग आदमी हैं, बोले हमें नहीं लगा कि हम बोरिंग आदमी। अच्छा हाँ, सच में हाँ, हम इतने बोरिंग नहीं हैं। अच्छा आप बोरिंग दूसरे के पास सुख लेने क्यों जाते हैं? अगर आप बोरिंग में टीवी क्यों देखते हैं? आप बोर हो गए अपने आप से, तब आप दूसरे को देखना शुरू किए, आप कंपनी क्यों चाहिए फिर? अगर आप अपने आप से के लिए बोरिंग ना होते तो आप दूसरी चीज़ क्यों लेते? आप खाली समय में क्यों वो क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं मोबाइल को, और क्यों YouTube देखते? अगर आपको अपने आप से सुख मिलता तो आप अपने आप में सुखी होते रहते, आनंद में रहते। ओह नहीं, हमको बहुत बढ़िया भोजन चाहिए साहब। अच्छा हमारा US में बोलते हैं इसे फूडी पर्सन, एक शब्द वहाँ बोलते हैं ज़्यादा, यहाँ तो नहीं पॉपुलर है ये शब्द,
यहाँ भी बाप प्लस यहाँ है, है अच्छा यहाँ कम सुना, डर बोले तो नहीं बोलते जाते, बोले 40%। अच्छा उसके मन मज़ा नहीं आया, बोले मज़ा क्या आया, क्यों कोई खाना सैलेड खा रहे हैं दिन रात, ये कोई घास फूस खाते हैं चलिए बाहर चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा रानी महल है, क्या है सिंगापुर में क्या रंग महल, रंग महल है, चलते हैं थोड़ा सा आउटिंग होती है। अच्छा थोड़ा घूम घाम आते हैं, ताज में चलते हैं थोड़ा सा, आफ्टर ऑल पैसा किस लिए कमाते हैं। अच्छा आज में कोई सुख नहीं था, आप बिना किसी सबके नहीं रह सकते, बिना किसके, बिना बच्चे के, बिना पति पत्नी के, बोले नहीं ऐसा तो नहीं रह सकता, हम नॉर्मल आदमी बिना टीवी के, बिना फोन के मैं कमरा दिलवा देते हैं, आप यहाँ रहिए थोड़ी दिन, बोले है तो नहीं अकेले रहिए, बोले अकेले तो नहीं रह सकते, पूछने के लिए चाहिए, अपने लिए आप बोरिंग हैं, आपको ऐसा लगता है, इट इज अगेंस्ट स्वतंत्रता, याद रखिएगा जहाँ स्वतंत्रता होता है वहाँ आनंद होता है। ये दूसरी गलती हो गई, जो अपने बोर्डम को दूर करने के लिए हमने गलती थी, वो हमको लगा दूसरे हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना देंगे। आप पहली गलती, दूसरे हमको सिक्योर बना देंगे, जिससे आप सिक्योरिटी के ले गए वो और इनसिक्योर बना दिए। हमने बताया ना वो कहानी डरबन वाली याद है, एक आदमी नदी के पास डूब रहा था ऑलमोस्ट, हाँ तो उसने देखा कि एक नाव आ रही छोटी सी, बड़ा खुश आपकी नाव आ रही है, पकड़ लिया नाव को, नाव में फर आ रहे थे, फर आ गए नाव में, वो नाव नहीं थी भालू था, उसको पकड़ के उसको लगा हम तर जाएंगे, अब भालू ने पकड़ लिया। जिससे आप गए सिक्योरिटी लेने, आप हमसे ईमानदारी से बताइए, उससे सिक्योरिटी मिली इनसिक्योरिटी, आप पैसे को इकट्ठा किए, पैसे से आपको अच्छे से इनसिक्योरिटी मिलेगी। अगर ये बुद्धि है, बोले हमने बेटा, बेटे से और इनसिक्योरिटी हो जाएगी, बोले वो नहीं थे तो ज्यादा ठीक थे पहली गलती हम जगत के, हमने माना कि हमारे अंदर सुरक्षा है फिर हम बाहर गए, दूसरी गलती हम माना कि हम बोरिंग है थोड़ा सा, हमारे में ऐसा सुख थोड़ी ना है, अच्छा सुख नहीं, नहीं नहीं बाई नेचर आप सुखी नहीं, नहीं हम बहुत बहुत ऐसे नॉट वेरी हैप्पी काइंड ऑफ पर्सन, अच्छा इसीलिए हम थोड़ा सा क्लब वगैरह हमने ज्वाइन किया है, थोड़ा कार्ड्स वगैरह भी हो जाता है, अच्छा थोड़ा हो आते हैं बाहर, सोशलाइजिंग हो जाती है, आउटिंग हो जाती है थोड़ा सा, अच्छा आज वहाँ गए तो बड़ा अच्छा लगा उनके साथ मिलके, गपशप हुई तो हम लोग गोल्फ वगैरह भी खेल लिया, अकेले पढ़ रहे थे बस, अकेलापन आ रहा है जीवन में, लोनलीनेस आ रही है थोड़ी सी, अच्छा ये लोनलीनेस क्या होती है, आई मीन लोनलीनेस मतलब कि कैसे समझाए आपको, लोनलीनेस मतलब कि कोई हमको जो इम्पोर्टेंस या हमको जो अपने साथ जो सुख मिलना चाहिए था हमें नहीं मिलता है, आई हैव इम्प्रेशन बट नोबडी इज एक्सप्रेसिंग माय इम्प्रेशन, हमें लगता है कि हमको वो पूछ लें लेकिन वो पूछते नहीं है, हमको लगता है कि हम अकेले हैं, बहू है घर में है तो पूछ लेती भाई चाय लेंगे आप मम्मी जी, लेकिन पूछा नहीं उसने, तो शाम को 4 बज गया 5 बज गया लेकिन पूछा नहीं उसने, तो क्या उसने नहीं पिया, बोले वो तो लेती नहीं तो एक पूछ हमसे लेती तो क्या हो जाता, हम तो बोलते हैं हम ही बना लेंगे लेकिन उसने पूछा नहीं हमसे, ये बात ये लोनली बना देती है हमको, हर घर में 8 लोग हैं कोई हाँ ये नहीं बोल रहा है, इट इज नॉट एब्सेंस ऑफ पीपल दैट इज कॉल्ड लोनलीनेस,
हमें अकेलापन लगने लगा, हमारे पति नहीं रहे स्वामी जी, बहुत अकेलापन लगने लगा। अच्छा, साथ रहते थे, नहीं बैठते थे, नहीं बैठते, साथ में ही बैठते थे, यहीं बैठते थे। शाम को बड़ा वो जब बारिश होती तो बड़ा हमको अच्छा लगता था, बारिश बड़ी अच्छी लगती थी। अब बारिश होती हमको इतना दुख होता है, यहीं बैठते थे और उनको जो है बारिश में इतना अच्छा लगता था, नीचे जाते थे, ना वही बस वही कुर्सी है, वही झूलना है और वही बारिश है, लेकिन वो नहीं है, क्या करें। ये जो संभालिएगा, संभालिएगा। बेटा हमारा आया था, अच्छा हाँ, एलए में है, तो 15 दिन के लिए आए थे, बेटा और पोता वगैरह सब आए थे। हमने चहल पहल थी घर में, काफ़ी चहल पहल थी, दिन रात उछल कूद मची, चले गए कल रात में चले गए। तो अकेला है, पूरा घर सुनसान हो गया, कैसा लग रहा है, बहुत याद आ रहा है। छोटा वाला बहुत ही बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, दिन रात दादी दादे लगा के दिन रात साथ रहा है। क्या करें, क्या करें, अकेला बना लोनली लग रहा है थोड़ा सा। तो बुलाया है लेकिन ऐसे नहीं जा सकते, अब जाएंगे जून में जाएंगे अगले, अभी तो नहीं, बार बार जाए तो भी नहीं अच्छा लगता। आप अपने से बहुत बोर हो गए हैं क्या? नहीं, बोर नहीं हुए हम, आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपने लिए बोरिंग हैं, ये आपकी मिस्टेक है। जिसको अपना अहम और भगवान अच्छे लगते हैं वो संत बन जाता है। मन लागो मेरो यार फकीरी, कोई चाहिए कहीं बढ़िया घर दिलवा देते हैं, ठीक है, अच्छा डिनर हो जाए, ठीक है, बस थोड़ा सा फल वगैरह रखवा देना, कोई बढ़िया कपड़ा हो जाए, आसपास लोग तारीफ करने वाले रहेंगे, ठीक है। क्या मजा आया ध्यान में आज, क्या मजा आया आज, पूजा कर लिया ध्यान शांति। जो अपने अंदर की आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, हम जगत में लगा देते हैं, ये दूसरी गलती है। और इसके लिए जो प्रयास करते हैं उसका नाम है काम पुरुषार्थ। पहला था अर्थ पुरुषार्थ। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक कामना से कई कामना निकलती है और भगाती रहती है हमको। हमको लगा घर बनवा लें बड़ा मजा आ जाएगा, अच्छा घर में भी दो ही रूम है, बाहर से लोग आ जाते हैं, गेस्ट रूम नहीं होता है, अच्छा तो आप आएंगे कहाँ रुकेंगे स्वामी जी, आप आइएगा तो हमारे घर रुकिएगा, अच्छा लेकिन बच्चे भी तो आप क्या, दो ऑलरेडी, बोले हम लोग समय एडजस्ट कर लेंगे एक में, जब माने कि हॉल में सत्संग भी हो लेकिन हॉल बहुत छोटा पड़ जाता है, तो एक बड़ा सा घर ले लेते हैं, किस लिए कमाया, 5 बेडरूम घर ले लेते हैं, बड़ा सा हॉल 50 लोग आ जाएंगे, बना लिया, अच्छा खत्म हो गई बात, नहीं खर्चा आएगा उसका, मेड लगेगी, हाँ गीजर नहीं काम कर रहा है आज, दरवाजा की हैंडल वो लॉक ही नहीं हो रहा है, वॉश बेसिन खुला, हाथ धोने पैर धुल गया, वो लीक कर रही थी, वो ऐसा हो गया, अभी आज बुलाया है उस प्लम्बर को, आया नहीं वो, आपकी कामना खत्म हो गई होगी, अरे बहुत बढ़ गया काम साहब, अब इतना स्टैंडर्ड लिविंग हाई हो गया, उसको उसको मेंटेन करने के पैसा चाहिए, अब हमको लगा कि काम पूरा हो गया लेकिन अब और काम बढ़ गया है, वहाँ नहीं साफ है, साफ करो भाई, पर्दा ठीक करो उसका, वहाँ लगाओ, इधर आओ इसको ठीक करो, ये क्यों काम पड़ा है, चाय के पहले किसने रखा, इसको हटाओ यहाँ से,
जब शादी किया था ना, इतना नहीं सोचा था इतना बढ़ जाएगा मामला। हम ये नहीं कह, शादी नहीं करना चाहिए, हम ये कह रहे हैं अगर कामना के लिए किया होगा तो फिर बहुत, एक के बाद एक से दस दस शाखा निकलती है। एक काम से दस काम निकलता है, दस से फिर सौ निकलता है, सौ से हजार निकलता है। बच्चे का एडमिशन करने से बड़े खुश नहीं, अब पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, उसका स्कूल होगा, फिर छोड़ने जाना पड़ेगा, ड्रॉप करने जाना पड़ेगा, पढ़ाना होगा, टॉपिक इज ओवर, नेवर ओवर। ओह, अच्छी कीमत चुकाया आपने। इसको बोलते हैं काम पुरुषार्थ। थोड़ा रेस्ट लेते हैं। बोले रेस्ट मतलब, रेस्ट मतलब कोई पुण्य किया था, कोई महात्मा आए, गुरुदेव आए हमारे जीवन में, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, तुम स्वयं में ही तुम्हारे में पूरी सुरक्षा है। बोले हमको तो नहीं लगता ऐसा, हर समय नहीं, कभी कभी लगता। एक भिखारी भी जब हंसता होगा ना तो उस समय उसको लगता नहीं कि हमको भीख मांगना है। कभी कभी आपको दर्द हो रहा होगा या रोना आ रहा होगा और कोई बात याद आ गई, आप हंस देते होंगे, कुछ देर के लिए आप अपने स्वरूप में चले जाके शांत हो जाते हैं। अभी आपको याद नहीं आ रहा है अपनी घर की प्रॉब्लम्स, ऑफिस के प्रॉब्लम्स, किसने क्या बोला था, उस समस्या, हेडेक होता है, हाँ कि हेडेक कभी कभी कम हो जाता है। लगता यहीं रहे। तो क्या गलती क्या हो गई, गलती हो गई आपसे, आपको लगा कि आपके अंदर नहीं है। यू डोंट हैव टू सीक हैप्पीनेस, प्लीज नॉट, यू डोंट हैव टू सीक हैप्पीनेस, यू हैव टू नो दैट यू आर नेवर अनहैप्पी। आपको आपको खुशी नहीं खोजनी है, आपको पता लगाना है कि जो हमें दुख था वो झूठा था, और ये जो जगत है, परिवार है, अहम बॉडी है, ये सब हमेशा ही असुरक्षित रहेंगे, आज नहीं तो कल। बक्के क्या बोलते हैं, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, सुना है ना, ये नहीं सुना ये। सुना होगा क्यों भाई विश्वपति जी, सुना है, हाँ यूपी में तो काफी चलता है। बोलते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, समझ गए, हाँ कब तक हमारा आपका परिवार बचा रहेगा, कब तक के शरीर को हम झाड़ते फूंकते रहेंगे, कितने दिन तक चलेगा, हाँ जी 40 साल, 50, 60, 70, 75, 80, मामा पापा नाना ये सब खत्म हो जाएंगे, कब तक चलेगा, कब तक आपका घर चलेगा, कब तक हम लोग साथ रहेंगे। एक दिन आपका फोन रहेगा बस, आप नहीं रहेंगे। अपना पैटर्न बता के जाइएगा। बैंक रहेगा लेकिन आप नहीं रहेंगे। सब काम ठीक ठाक करके जाइएगा, थोड़ा सा कोई संबंध उम्बंध नहीं। वेद ने कहा यहां वेदांत आया, 8:15 बजे तक ना क्लास, 8:30 है ब्रेकफास्ट, 8:30, अच्छा 8:30 8:15 बजे तक। कल गलती हो गई रात वाले ने हमसे। एक ही कक्षा है पूर्ण मदन, एक पुरुषार्थ होता है मोक्ष पुरुषार्थ, ध्यान दीजिएगा, एक टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में,
मोक्ष पुरुषार्थ कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं, जो आप थे जो आप नहीं थे उसको आप हटा रहे हैं। जो हमारे में इनसिक्योरिटी नहीं थी, हमारे में जो दुख नहीं है, हम फ्री हैं, डिसीडर, आप मुक्त हैं। आपने कोरोना में देखा होगा कई चीज नहीं, कई बिना मिले भी हम लोग काफी सुख, कई लोग बाहर जाके खरीद नहीं पाए ग्रोसरीज वगैरह, कम खाने में भी सुखी थे लोग, ऐसा हमने सुना। वेदान वेद ने कहा हेलो हेलो, पता नहीं वेद मतलब क्या, मे आई हेल्प यू डेस्क होता है। एयरपोर्ट में देखा होगा मे आई हेल्प यू डेस्क होता है, ये गुरु है, ये वेद है, ये वेदांत है। बोले लेकिन हमको लगता तो ऐसा है, तो थोड़ी देर लगने की बात छोड़ो, है क्या पता लगाओ, लगता तो नहीं कि तुम्हारा वेट कम हो गया, ऐसा है ना, लगने की बात छोड़ो, ये भी लगा तुमको कि तुम बुद्धिमान हो, ये भी लगा तुम बड़े हो, ये भी लगा तुमको तुम्हारे जीवन में बीमारी नहीं आएगी, बहुत फिट हो हर तरह से, आई ना बीमारी, ये भी लगा कि वो आदमी ऐसा नहीं करेगा, क्या ना उसने इतना क्लोज था वो, क्या ना उसने, ये भी लगा कि हमारा हमसे गलती नहीं हुई, हो गई ना वो गलती तुमसे, कई चीज लगी थी बाद में आपको लगा, जो हमें लगा नहीं लगना चाहिए था। हम जो हैं, वेदांत ने बोला कि आप जो हैं, आपका स्वरूप सुरक्षा का है, आपका स्वरूप आनंद का है। सच में इज इट रियली, ऐसा है क्या, बाय गॉड हमारा स्वरूप सुरक्षा का है, लेकिन बॉडी का तो, बॉडी का नहीं है, बॉडी को और आम को अलग करिए थोड़ा सा। बोले लेकिन शरीर चला जाएगा, शरीर जाने दीजिए, शरीर तो बहुत आया है, चला जाएगा, ये तो एक छाया है, चली जाएगी, आपको कुछ नहीं होने वाला। अब आप रोते हैं ना, आपके अंदर कोई है जो नहीं रोता, जब आप पैदा हुए थे ना तो कोई था जो नहीं पैदा हुआ था, अच्छा जब आप सो जाते हैं ना तो कोई है जो नहीं सोया हुआ था, ओ जब आप बुढ़े हो गए ना, हाँ तो कोई है जो बुढ़ा नहीं हुआ है, जब आप गिर जाते हैं ना चलते चलते, कोई है जो नहीं गिरा है, तो उसका नाम क्या है बताएंगे, कहाँ है, आप हो सच में, किस प्रमाण से जाने, वेदांत खुद में प्रमाण है एक, वेद का वो भाग जो इस आम के बारे में बात करता है, ध्यान देकर सुनिएगा, उसको बोलते हैं वेदांत, उत्तर मीमांसा, उपनिषद, और कुछ बात नहीं वहां पे। उसके बारे में बात कल करेंगे हम, दो तीन मिनट हम लोग बैठेंगे शांति से ध्यान करेंगे, और अगली कक्षा के 10:45 तो सीधे बैठे हैं। ध्यान करना चाहते हो तो सबसे पहले
अपने जीवन को और शरीर को भगवान को दे दीजिए। इस शरीर से, इस जीवन से हमारा कोई मतलब नहीं। आई हैव नो रिलेशनशिप विद दिस बॉडी एंड दिस लाइफ ऑफ दिस पर्सन। दिस पर्सन वेक्स अप इन द मॉर्निंग, ही टेक्स ब्रेकफास्ट, ही हैज लंच, ही गोज टू वर्क, ही कम्स बैक, ही स्लीप्स, ही क्राइज, ही लाफ्स। I have no relation with this body and this person. जैसे चेयर है, टेबल है, कुर्सी है, वैसे पंच महाभूत का ये एक अंश है। दिस इज वन बैग ऑफ फाइव एलिमेंट। इट हैज कम इन दिस वर्ल्ड, इट विल गो अवे। ये पैदा हुआ था, बड़ा हो गया, एक दिन ये मिट्टी में मिलेगा। इस शरीर से, इस आदमी से, इस मनुष्य से, स्त्री से, पुरुष से, दो मिनट के लिए आप दूर हो जाइए। जो इसका दृष्टा है, मैं हूं। मैं और शरीर मिल गया, आई एम नॉट द सोल इन द बॉडी, आई एम द सोल विद अपीयरेंस ऑफ बॉडी। शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, आत्मा में शरीर आ जा रहा है। 60 साल के लिए शरीर आया है, 70 साल के लिए आया है, कुछ दिन बाद ये जाएगा, फिर दूसरा आएगा। मैं वही हूँ। मैं न काम करता हूँ, न आता हूँ, न जाता हूँ। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक। मुंडक श्रुति बोलती है, दिव्यो यमूर्ता पुरुषः सब बाह्याभ्यंतरो यजः अप्राणो यमनः शुभ्रः यक्षरात् परतः परः। उपनिषदों ने झड़ी लगा दिया है इसके बारे में बताने में। शांत रहिए, गंभीर रहिए, अपने पास रहिए। पूर्ण